आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि आप खाना यू फिनिश कर देती हैं, तो आपने पपीता वहां ड्रॉर में क्यों रख दिया? जी यस खान बाबा, वो सेकंड ग्रेड में ना मेरी एक सहेली थी अजीता, और उसको मैं प्यार से बोलती थी अजीता पपीता। आज पपीता देख के मुझे अजीता की याद आ गई, तो मैं काफी इमोशनल हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि अजीता को याद करते करते पपीता ना मैं बाद में खा लूंगी। तो पपीता फ्रिज में रख देती, ड्रॉर में क्यों रख दिया? फ्रिज में तो खान बाबा सब कुछ बहुत ठंडा हो जाता है। अनाना नोज बेस्ट, क्यूट आंखों वाले नवाब की बीवी अगर ठंडा पपीता खाती है ना तो उसको निमोनिया हो जाता है। कोई प्रॉब्लम है? पपीता आपका है, आपको खाना है। आप चाहे फ्रिज में रखिए, ड्रॉर में रखिए या अंदर लॉकर में रखिए, पर खा लीजिएगा। जी। पैर का दर्द ठीक है आपके? थोड़ा सा दर्द है। आराम भी कीजिए। बाल बाल बची। ये हथियार किसके अगेंस्ट काम आता होगा? हेल्दी डाइट की या फिटनेस की? और ऐसे आधा समोसा खा के कौन रखता है? आप मेरी सेविंग्स चुरा रहे? सेविंग्स? अरे जो बुरे वक्त में बचा कर रखी जाती है उन्हें सेविंग्स कहते हैं। अलग अलग तरीके की होती है, कुछ लोग एफडी कराते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स कराते हैं, और कुछ लोग समोसा बचाते हैं। आप? मुझे इस आधे समोसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं बस अपने पेपर्स ढूंढ रहा था जो मुझे मिल गए। सर 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 सर, मेरी सेविंग्स, मेरा समोसा। इतना रईस आदमी है, 5-star होटल से भी खाना मंगा सकता है, लेकिन नहीं, मेरे समोसे पे नियत खराब है। रेहान खान की मूंछ रैबिट की पूंछ, समोसा खराब कर दिया मेरा। मिस्टर खान ने बताया था कि अभी रिसेंटली आपका मिसकैरेज हुआ है। लेट जाइए मिसेस खान। अल्लाह नोज बेस्ट, डोर बंद है, अभी कोई मुझे मैजिक करते हुए देख ही नहीं सकता, यही चांस है। ये कैसे हुआ? क्या डॉक्टर? मेरा मेडिकल किट वहाँ कैसे चला गया? I think आपको कोई गलत फहमी हुई है। I'm sure. क्या हुआ? पता नहीं, अभी तो मेरे ग्लासेस थे, अभी पता नहीं कहाँ चले गए। आप ये कैसी बातें कर रही है डॉक्टर? आपके ग्लासेस तो ये रहे। अरे एकदम से कैसे? मिसेस खान, मैं आपका बीपी चेक करके चली जाऊंगी। डॉक्टर, बीपी तो आपने अभी चेक किया और सब कुछ ठीक है, आपको क्या हो गया है? आप ठीक तो है ना? आप कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। पता नहीं मिसेस खान क्या हो गया है मुझे, बहुत हेलुसिनेशन सी हो रही है, सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ का कुछ नजर आ रहा है। आज मंडे है क्या? मंडे तो है, लेकिन उससे क्या? अरे आपको नहीं पता, अगर मंडे को एक इंटेलिजेंट डॉक्टर हैंडसम नवाब की प्रीटी बीवी का चेकअप करने आया ना, तो उनको हैलुसिनेशन होने लगती है। आप ना एक काम करो, धनिया पुदीना और फूल चक्री का एक काढ़ा बनाइए, उसको सुबह 1.5 बार और रात को 2.5 बार पीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपको अगर बनाने में प्रॉब्लम हो ना तो मैं बना के आपको भेज दूंगी, टेंशन मत दीजिए। ठीक है मिसेस खान, अपना ध्यान रखिए। डॉक्टर आपको याद है ना कि आपने मेरा सारा चेकअप कर लिया और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ? हाँ जी।
क्या हुआ रोशनी, आप ठीक तो हैं? जी एफ। अरे तो ये आवाज कहां से आ रही है, सुनाई दे रही है आपको ये अजीब सी? हवा, खान बाबा हवा है। जी खिड़कियां सारी बंद है। ओ वो देखिए वो वाली में थोड़ी सी खुली है, वो वहीं से हवा आ रही है, तेज चल रही है ना बहुत। तो कुछ नहीं, वो मेरा क्या वो क्या बदकमीज, उसे पूल पे खड़े होकर कोई कपड़े बदलता है क्या? रात जो हरकत इसने की है सारी हदों की हद पार कर दी। मधुमक्खी से बचाने के बहाने मेरे जैसी क्यूट सीधी साधी इनोसेंट भोली भाली लड़की के साथ ऐसी हरकत, अगर मुझे जॉब की जरूरत नहीं होती ना तो बताती इसे। रेहान खान की मूछ, रैबिट की पूछ, मुझ चढ़ गएंगे। रुमाल हैंकी, वो मेरा हैंकी है। हैंकी? हैंकी कहाँ से आया दिखाई? हवा बहुत तेज चल रही है ना तो उड़ के आ गया। अच्छा दिखाइए तो सही। एक मिनट सर, मेरा आज का काम हो गया है, मैं जाऊं? ओके, मेरी कल की मीटिंग की तैयारियां हो गई? यस सर। सर आर यू ओके? मतलब आज आप थोड़ा अलग सा बिहेव कर रहे हैं, अजीब सा। अजीब? मैं नेवर। मुझे बहुत काम है, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स है और मैं बहुत बिजी हूँ। सर आपका जरूरी काम नीचे गिर गया है, उठा लीजिए। हैव अ गुड डे। अलमारियों में से लड़कियां निकल निकल के गिर रही हैं। रेहान खान की मूछ, रैबिट की पूछ तो बहुत ज्यादा लड़कीबाज निकला। अल्लाह रोज बेस्ट शायरी, मुझे नहीं लगता कि रेहान ऐसा कुछ भी कर सकता है। अब आजकल की लड़कियां इतनी तेज है और उसके पीछे पड़ी रहती है तो मेरा बेचारा देवर क्या करे। अर्ज किया है, नदियों का पानी होता नहीं खारा, नदियों का पानी होता नहीं खारा, तुम्हारा देवर नहीं है बेचारा। मैं सच कह रही हूँ रामश्री, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनके ऑफिस में एक लड़की थी और मेरे देखते देखते वो आम की तरह टप करके गिर पड़ी। नहीं शायरी, मुझे लगता है वो ना उसकी कोई क्लोज फ्रेंड होगी, नहीं तो रेहान बहुत रिस्पेक्टफुल और तमीजदार टाइप का है। जो आदमी अपनी कमीज नहीं संभाल सकता वो तमीज क्या संभालेगा। मुझे काम के बहाने अपने घर बुलाकर अपनी कमीज उतार के खड़े हो गए थे, बदतमीज कहेंगे। बदतमीजी की भी कोई हद होती है कि नहीं? और आज तो वो मेरे बैग में घुस के पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे। मेरे जैसी क्यूट इनोसेंट भोली भाली सीधी साधी प्यारी प्यारी लड़की के साथ ऐसी हरकतें? पर वो तुम्हारे बैग में ताकत झांकी कर रहा था। उससे भी बुरा, तुम्हारा देवर मेरे बैग से समोसा चुरा रहा था। समोसा? ठीक है, समोसा चुराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन तार से मेरा दुपट्टा खींचना ये तो लानती हरकत है ना? बताओ। बिल्कुल है, पर उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मेरे दुपट्टे पे मधुमक्खी बैठी हुई थी। देखो अब तुमने खुद मेरे प्यारे से देवर को जस्टिफाई कर दिया। मैं बता रही हूँ तुम्हें, वो बहुत ही ज्यादा प्यारा, पोलाइट और डीसेंट टाइप का लड़का है। वो जैसे दिखते हैं ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू, भाभी के सामने कुछ और दूसरी लड़कियों के सामने कुछ और। घर में पोलाइट, बहुत डायनामाइट। पोलाइट डायनामाइट, ये कैसी बातें कर रहा है यार? सही कह रहा हूँ भाई, वो भोली बन के रहती है लेकिन है बहुत शातिर।
वो बेचारी लड़की जो तेरे ऊपर चाय गिरा देती है, तेरे बालों की जगह तेरा फेस ब्लो ड्राई कर देती है, वो लड़की शातिर है रेहान, वो शातिर नहीं तू शक्की है। उस बेचारे को परेशान करना बंद कर वरना बहुत पछताएगा। भाई वो बेचारी नहीं, चालाक है, चंट है, चैन शिकारी। तुझे पूरा यकीन है वो लड़की जिन शिकारी है? भाई मुझे मेरी मूंछ की कसम। अगर वो जिन शिकारी नहीं हुई ना तो मूंछ कटानी पड़ जाएगी। भाई आप जो बोलोगे वो करूंगा, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं साबित करके रहूंगा कि वही जिन शिकारी है। लेकिन मैं भी ना साबित करके रहूंगी कि रेहान खान की मूंछ रैबिट की पूंछ असल में किस टाइप का लानती इंसान है। अलानूस बे शायरी, आई नो रेहान मूंछों से थोड़ा ऐसा वैसा टाइप का लड़का लगता है, पर वो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा सीधा साधा शरीफ और प्यारा टाइप का लड़का है। अर्ज किया है, मोहब्बत में नूर है, मोहब्बत में उजाला है, मोहब्बत में नूर है, मोहब्बत में उजाला है, तुम्हारा देवर ना सीधा साधा है ना भोला भाला है। एनीवेज मैं भी शायरी हूँ, उसकी असलियत ना सबके सामने ला के रहूंगी। रोशनी ऐसे क्यों चली गई थी? सब कुछ ठीक है ना? जाने से पहले एक बार मुझे उससे मिल लेना चाहिए, लेकिन इतने बड़े घर में उसे ढूंढूंगी कैसे? फोन कर लेती हूँ। अरे मेरी क्या? अच्छा बच्चों, शायरी से बात अभी ढूंढ बताती हूँ। कब तक छपते रहोगी? मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी छान डालूंगा और पता करके रहूंगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम चाहे कुछ भी कर लो पर मुझसे नहीं बच पाओगी। आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? आप मेरे पिक्चर्स क्यों देख रहे थे? कमरा मेरा है, मैं चाहे जो करूं। आपका कमरा है, आपका लैपटॉप है, लेकिन पिक्चर्स मेरी हैं और मेरी परमिशन के बिना कोई भी मेरे पिक्चर्स नहीं देख सकता। और जो आप मेरे घर में बिना मेरी परमिशन के घूम रही हैं उसका क्या? ये घर रोशनी का भी है और रोशनी मेरी दोस्त है तो मैं यहाँ आ सकती हूँ। दोस्त का घर है तो इंसानों की तरह चल के आओ। बकरी की तरह चल के आ रही थी? चलूंगी, बकरी की तरह चलूंगी, मेरी मर्जी। आपने सिर्फ रैबिट की पूंछ की तरह मूंछ रखी होगी। मैंने आज तक आपको कुछ कहा? This is too much. Too much. आप too much. आप three much. अरे मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है, फिर भी पता नहीं कितनी बातें करनी होती हैं आपको। बहाना देखो, भाभी से मिलने आई थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई थी जिन शिकारी। रोशनी को ये डिसेंट लगता है, वो चढ़ गई का। अभी शायरी तेरे रूम से बाहर जा रही थी? जासूसी करने आई थी भाई। मैंने आपसे कहा था ना वो लड़की जिन शिकारी है। मैं देख रहा हूँ एक जिन का शिकार तो हो ही रहा। तू अभी भी गलत है। अरे अमन, ये तुम क्या कर रहे हो? रोशनी ने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो उसके लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। ओह, अरे वो तो सो रही है और मैं जाग रही हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है। तो आप ये लीजिए, मैं रोशनी के लिए और ले जाता हूँ। ये नहीं, पर मुझे
खाना नहीं खाना है, मुझे मुझे कुछ और खाना है। नहीं नहीं नहीं, हाँ फ्रिज में देखती हूँ देखती हूँ। अरे फ्रिज में तो सब कुछ है, क्या मांगू? लगता है आइसक्रीम नहीं है, आइसक्रीम मांगती हूँ। अरे एक्चुअली मुझे ना आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। आइसक्रीम तो फ्रिज में ही है, ये लीजिए आइसक्रीम। नहीं नहीं, ये वाली आइसक्रीम खाने का मन नहीं कर रहा है, वो मुझे जरा जामुन जामुन आइसक्रीम की तलब हो रही है, वो खाने का मन कर रहा है। रुबीना, अरे अम्मी ये कैसी बेबी वाली बातें कर रही हो? अल्लाह अम्मी, मैं कब ऐसी बातें करती हूँ? अरे तू नहीं, मेरा मतलब है जब औरतें प्रेग्नेंट होती है ना, तब उनका ऐसी अजीब अजीब चीजें खाने का मन करता है। क्या ताबीजी प्रेग्नेंट है? आप प्रेग्नेंट है? नहीं नहीं, अच्छा सुनो, अगर लड़का होगा ना तो उसका नाम खुर्रम रखेंगे, और अगर लड़की होगी तो उसका नाम चुप कर अम्मी। अरे अमन तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम बाजार से आइसक्रीम ले आओ और ना आराम से जाना और आराम से आना। मुझे पता है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना, वो क्या है कि जामुन तो जल्दी मिलते नहीं है ना, इसलिए ठीक है। लीजिए। क्या जामुन आइसक्रीम? मैं कैसे पूरी करूं, ये तो जन्नत का बादशाह है। मैंने ही तो मांगा था जामुन आइसक्रीम। खाई है, अच्छी होनी। खाऊंगी ना। हेलो, फिर मैं भी खाऊंगी। थैंक यू दादी।